के और मेरे साथ है नो वन किल जेसिका की टीम, विद्या बालन, रानी मुखर्जी एंड डायरेक्टर राज। कैसन है सिद्धार्थ कनन? मैं ठीक हूँ मेरे जान। जानी आई लाइक यू बेबी, आई लाइक यू। ये कल किस प्रांत का था? प्लीज मुझे गॉड ब्लेस यू प्रांत सर, डोंट ब्लेम मी। अच्छा अभी मुझे एक मॉक फाइट करके दिखाओ, जैसे आप लोग सेट्स में लड़ती थी। राज मुझे कहते हैं कि आप हमेशा सेट्स में लड़ते थे, आप अभी विद्या बालन के साथ लड़ाई करके दिखाओ मुझे कैसे आप लोग लड़ाई करते थे। लीव माय हैंड रानी, रानी लीव माय हैंड रानी, डोंट रानी प्लीज। विद्या रानी, विद्या रानी, विद्या बाबा ये लाइन है, ये रोमांटिक सीन लग रहा है। ये जिमा हाउ यू आर समथिंग रानी लीव माय हैंड, आई एम लीविंग इट। विद्या विद्या ये तो हमारी क्या हो रही है? एक्चुअली हम रोमांस कर रहे थे, वो शी वाज फीलिंग शाय टू से दिस टू यू, तो वी स्पिल द बीन आवरसेल्व्स बिकॉज़ वी हैव नो शेम इन सेइंग दैट वी वर इन लव, वी वर रोमांसिंग ऑन द सेट्स बिकॉज़ सिंस वी डिडंट हैव अ हीरो वी सेड व्हाई नॉट। सी वी न्यू दैट वी विल गेट लिंक्ड अप सम वे और द अदर, कोई स्कोप था नहीं। देखिए आज राज मैं आपको बोलने वाला हूँ, इस शो के बाद मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। राज आपके तकी में क्यों छूट रहे? क्योंकि आई फील कि हम जब इतने हैंडसम स्मार्ट इंटेलिजेंट लड़के हैं, आपको सिर्फ लड़कियां पसंद आती हैं। अप्रिया अप्रिया, पर ऐसे क्यों है कि आप लोग आपस में रोमांस कर रहे थे, आपको लड़के पसंद नहीं आते हम जैसे? बिकॉज़ शी इज रुम्बा अलग है रुके। एक्चुअली अगर मुझे पता चल जाता ये दोनों रोमांस कर रहे हैं तो मैं कुछ एक नया सीन भी लिख देता। राज भी रोमांस कर रहे थे। किसके साथ? पेड़ के साथ? नहीं नहीं, 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 नहीं। वो मैं आपको नहीं बता रहा। राज मुबारक हो भाई, एटलीस्ट समवन इज हैविंग सम काइंड ऑफ लव लाइफ ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। टेल मी रानी, आई कांट, इट्स अ वेरी लद्दाखी सीक्रेट। ओह गॉड, लद्दाख में आप पर आरोप लगाया गया, बोलना चाहते हैं कुछ? मैं कहना चाहूंगा मैं सभी से प्यार कर रहा था, मेरी इतनी 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 खूबसूरत हीरोइने मेरे पिक्चर में काम कर रही। तो न्यू कॉन्ट्रोवर्सी, ब्रेकिंग न्यूज, भारत के बिगेस्ट कैसिनोमा डायरेक्टर है, सबसे प्यार करते हैं, किसी को नहीं छोड़ा मैंने। ओ गॉड, जब रानी और विद्या प्यार कर सकती है तो मैं और स्पॉट बॉय भी तो कर सकते हैं। अच्छा सुनिए, अभी मैं एक अवार्ड देना चाहता हूँ राज को, आप दोनों राज को। कौन सा अवार्ड? एल्टन जॉन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो अगर आप मुझे एल्टन जॉन ऑफ द ईयर अवार्ड दे रहे हैं तो इनको भी कोई ना कोई अवार्ड आपको देना पड़ेगा। ये आपड़ी अवार्ड, दिस इज साउंडिंग मोर लाइक अ मिडनाइट शो। आपड़ी अवार्ड, मेरे साथ रानी मुखर्जी टीम, रानी मुखर्जी, विद्या बालन और द इंडियन जेम्स बॉन्ड राज, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म इज वेल, जो अभी अपना बाल कंघी कर रहे हैं। अच्छा रानी, ऑनेस्टली मैं जानता हूँ कि आप विद्या को नफरत करती हैं, आज आप दिखा दो कितना नफरत करती हैं, उनकी बुराइयां करते रहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं ये कहना चाहूंगी कि आई एम वेरी अपसेट विद विद्या बिकॉज शी डिडंट सक माय थंब, शी सक अर्शद वारसी का थंब। ओह गॉड, अर्शद वारसी का थंब? क्या विद्या आपको खुद का थंब पसंद नहीं आता क्या? अर्शद के थंब पे उन्होंने जैम लगाया था। तो यानी कि अगर किसी के हाथ में जैम बटर है, yes, आप उनके थंब चाटेंगे? लगा लो। ये लीजिए, मेरे हाथ में भी जैम है। अच्छा पर बताइए, जब अर्शद ने वो थम आपको दिया तो मरिया गोरेटी आजू बाजू तो नहीं थी ना? नहीं, शी वाजंट अलाउड, वो जम कर घर पे बैठी थी। अभी एक अंदर की बात रानी के बारे में, जो स्कैंडलस हो। रानी सेट पे बहुत सीरियस रहती थी, जिसकी वजह से मुझे स्माइल करने से भी बहुत मैं डरती थी। आई हैवंट इवन स्माइल्ड थ्रू द शूट, इट वाजंट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। रोइए मत विद्या, आंखों को पूछ लो आप। हाँ अच्छा, पर रानी क्योंकि आप सीनियर एक्टर से आपने इनको इतना इंटरव्यू किया। सीनियर मेरी तो अभी बिगनिंग हुई है। अरे आई सीनियर, पर ये जो आपका टांग टूटा हुआ है वो विद्या ने तोड़ा है क्या? टांग नहीं टूटा हुआ है, जरा सा थोड़ा सा कुछ हुआ है। इतनी जल्दी मेरी टांग नहीं टूटी, मैं लंबी रेस की घोड़ी हूँ। अरे पर मैंने सुना कि आप लोग आपस में फुटसी खेल रहे थे, तभी ये हुआ? जी फुटसी तो हम लोग रोज खेलते हैं, एक्चुअली कुछ दिनों के लिए वो कलकत्ता चली गई थी तो हम वाज मिसिंग थिंग फुटसी। आप चाह रहे कि आप विद्या के साथ फुटसी खेले, मैं आपको अलाउ नहीं करना। मुझे पता है कि आपका जो टांग है, जो पैर है, वो विद्या की तरफ जा ही रहा है,
But I will not allow that. I'm quite protective of her. Because her foot is only for my foot. उसका फुट सिर्फ मेरे लिए, मेरा फुट सिर्फ उसके लिए. मेरी शादी आप रोक रही है शो पर, मेरी सेटिंग आप रोक रही है, हर चीज आप रोक रही है यार. हाँ अभी तो आपका शो भी रुकवा देंगे. But you should know why. Why, 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 why? You should know why. I want to know why. आप ही हैं. Raj wants to play footsie with you actually. His foot is going towards you, so I think you can put it. थोड़ा सा जूता खोल दो तो एकदम अच्छा से हो जाएगा. याने के रोम्बो खौं वर्द डाकना. याने का बेशी बाजे कथा बोलो ना हमारे संग. और आप डायरेक्टर राज एक फ्लाइंग किस देंगे. If you saw the body language, kiss हर जगह चला गया. जिसको लगा लगा, जिसको नहीं लगा उसे नहीं लगा, जिसको लगा जोर से लगा. और मुझे भी जोर से दिल पे लगा जब मैंने विद्या को एक बहुत ही सेक्सी सारी फोटोशूट में देखा था. एक ही सीट के जरा हट के और मेरे साथ है न्यू वन किल जेसिका की टीम, रानी मुखर्जी, विद्या बालन एंड डायरेक्टर राज. अच्छा विद्या, हाल ही में आपने एक सेक्सी सारी फोटोशूट किया था, क्या दिख रही थी आप? आई वुड ऑल्सो दिख रही. अभी तुम हर जगह लाइन मारते हो यार, मैं उनसे बात कर रहा हूँ तुम यार. यहाँ पे आई ऑल्सो अगेन. कितनी सेटिंग करोगे? नहीं बोलूंगा, बोलूंगा सारी 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 सारी. आपने ने दूसरे शो में सारी पहना, मैं आपको सारी बनाऊंगा. अच्छा बड़ी सेक्सी लग रही थी आप. हाँ अरे हंस कर रही है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ आप. पर चेहरा तो उनका दिख नहीं रहा था. थैंक यू. जो दिख रहा था वही चाहिए था. उस फोटोग्राफ में चेहरा नहीं चाहिए था, कुछ और चाहिए था जो विद्या ने सबको दिया. देखिए पर हर इंसान जानना चाहता है. इंसान या हम इंसान है सर. मैं इंसान देखता नहीं हूँ पर मैं इंसान हूँ. आई एम वेरी मच ह्यूमन, ट्राइंग टू बी अ ह्यूमन. ओके. अच्छा आप दोनों इतनी इंटेलिजेंट है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है. किसने बोला? मैंने सोचा गलती से, बाय मिस्टेक. फिर आप दोनों सिंगल क्यों है ऐसे बताइए? लड़कों के बारे में कौन सी बात आपको पसंद नहीं है? फिर हमने बताया तो आपको कि हम लोग डबल है. हेलो आप प्रिया. आप ये विश्वास करने को क्यों नहीं तैयार हैं कि ये दोनों कपल हैं? आपको तभी से बताया जा रहा है, मतलब आप अपना नंबर लगाना चाहते हैं. सर 99% ऑफ द पॉपुलेशन विल डाई टुडे सर, विद दैट स्टेटमेंट सबको आशाएं हैं सर. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100% हो जाए. आशा भी लाइन में. वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके डायरेक्टर के लिए. वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट योर डायरेक्टर बिसाइड्स यू ऑल विच इज इनको क्वालिटी कंट्रोल कोई टेंशन नहीं है, विच इज वेरी गुड. अच्छा अब मुझे बताइए एक फिल्म रानी की जो आप करना चाहती थी. कभी अलविदा ना कहना. एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट रोल दैट यू फेल्ट कि मुझे ही करना चाहिए था? द रोल इन इटसेल्फ एंड द फैक्ट दैट शी परफॉर्म्ड टू मिथवा व्हिच इज माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग. और विद्या मैं ये भी जानता हूँ कि आप बहुत रोमांटिक गाने गाती हैं, तो आज मेरे शो पर हो जाए. अड़ता हाथ अंबुजे विद्या तू गा या तू हंस. एक काम कर. ओके. अड़ता ते अंबुजता पातेला अवर आत करे कुंजनता केटेला. डू यू नो द सॉन्ग? सुर का है इस मूवी में. कहीं सुर का है ये, मुझे वो लग रहा है इंडियन रैप टाइप्स लग रहा है मुझे यार. हाँ चिन्न चिन्न ऐसे. वाह रानी आप तो अच्छा गाती भी है. अच्छा इस गाने के बाद रानी और विद्या मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि जब नो वन किल जेसिका आपने किया था उसके बाद क्या आपको डर था कि शायद पॉलिटिशियंस आपको फोन करके धमकी दें कि आप लोग ने ये फिल्म क्यों किया, क्या आपको थ्रेट्स आए थे कि नहीं? ये पता करेंगे इस गाने के बाद. मैं हूं सिद्धार्थ करण, एके सिड के जरा. बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू? जो है कही जो है सुनी वो बात क्या है बता. Find a way,
जान ये बता दे तू किस ओर चला है तू क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है तू जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा नगर में प्रेम नगर में आया नजर में जब से कोई है तू सोचता है तू पूछता है जिसकी कमी थी क्या ये वही है हाँ ये वही है हाँ ये वही है तू एक प्यासा और ये नदी है काहे नहीं इसको तू खुल के बताए जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा अच्छा रानी जब आपने नो वन किल जेसिका किया था क्या आपको डर लग रहा था कि शायद पॉलिटिशियंस आपको फोन करके धमकी दे कि आपने ये फिल्म क्यों किया हमारे देश में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा कि कोई रियली सामने से ऐसा करेगा क्योंकि सब मेरे ख्याल से मैच्योर्ड है और सब जानते हैं कि हम एक फिल्म पे काम कर रहे हैं और ये फिल्म एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग ऐसे सिचुएशंस पे आएंगे आई थिंक वी आर मच bigger things to do in life than to get behind me and Vidya. I think they're two very simple and normal actresses who have done a simple film. And you all have done a brilliant job. Mere mein apni agli film mein aap dono ko cast karne wala, okay? I just want to tell you ki you would want to cast us. I wouldn't want to be a film. Aapko maalum hai, Tom Cruise, suna aapne naam? Ji. Haan, aapne Sean Penn suna hai? जी वो सब बाहर खड़े हैं स्टूडियो की फिल्म करने के लिए जरूर 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 और आप मुझे रिजेक्ट कर रही है डेफिनेटली अच्छा पर ऑनेस्टली जब आप सबरीना लाल से मिली थी एक चीज जो उन्होंने आपसे कहा जो आपके दिल और जहन में आज तक है इस फिल्म के बारे में नो वन किल जेसिका के बारे में सबरीना लाल ने खुद कहा दैट आई एंडोर्स दिस फिल्म मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा है और मुझे ये यकीन है कि उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई है व्हाट वाज स्पेशल ऑन द डे दैट वी मेट सबरीना वाज द वे दैट शी इज मूव्ड उनके लिए एक बहुत ही गहरी चीज है व्हाट आई रिमेंबर ऑफ हर इज दैट शी वाज रियली मूव्ड विद द एंटायर थिंग शी केम अक्रॉस एज अ वेरी स्ट्रांग लेडी ब्यूटीफुली स्पिरिटेड पर्सन यू नो व्हेन आई मेट हर आई फेल्ट अ वेरी वेरी पॉजिटिव वाइब डायरेक्टर राज क्योंकि आपने ये दो तीन एक्ट्रेसेस को एक ही फिल्म में कास्ट किया है इसकी वजह से मैं आपको एक और बड़ा ब्रेक देने वाला हूँ कम टू माय ऑफिस टुमारो ओके मैं आपके फिल्म करने के लिए तैयार हूँ आप जो भी फिल्म करें मैंने आपका ऑफर नहीं दिया ओके थैंक यू वेरी मच कोई नहीं अच्छा रानी आप रिपोर्टर का किरदार निभा रही है ओके रिपोर्टर्स के बारे में कौन सी चीज आप देखकर या सुनकर परेशान हो जाती है आई थिंक जस्ट डूइंग दिस रोल आई रियलाइज व्हाट अ टफ लाइफ इट इज टू बी अ रिपोर्टर And it's not a easy thing to face the camera and to be at a particular place which is so, so dangerous. And I think they do it as an everyday basis and that's their job. Wonderful, Rani. और एक चीज मैं बताऊं रिपोर्टर्स के साथ साथ रेडियो जॉकीज का भी काम बहुत डिफिकल्ट होता है आपने वो मेंशन नहीं किया आज मैं दो रॉक स्टार लड़कियों को मैं फेस कर रहा हूं आज मैं
हम लोग को भी बहुत टफ सिचुएशन फेस करना नहीं, पड़ता नहीं, है। कोई टफ सिचुएशन फेस नहीं करना पड़ता। आप एक एसी स्टूडियो में बैठ के आप लोग बातें करते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि आप लोग का कोई भी टफ लाइफ है। स्टॉप लाइंग टू द वर्ल्ड। अरे मेरे पूरी अंदर की बात बाहर निकल के मैं तो ओपनली मैं कहता हूँ कि मैं रोड से शोज कर रहा हूँ, आपने पूरा भंडा तोड़ दिया यार। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच रानी, और मुझे भी आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। मुझे आपकी आवाज अंदर कैसे लगती है जो बता ना, जो मिड नाइट कॉल होता है कॉल 9412 Hello. Talk to me, baby. Apriya.